गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी एट इलाहाबाद। मैं अभी तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत आपके अपने इस चैनल पर करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग एरे के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम्स और करेंगे, मैनिपुलेशन ऑफ एरेज, जिसमें हम एरे में डेटा इनपुट करा के उस पर अलग अलग ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो आज हम जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो है, एक एरे में 10 नंबर इनपुट कराएंगे और उस एरे में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो पता करेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर इस एरे में एग्जांपल जो हमने लिया है वहाँ पे 1 है और लार्जेस्ट नंबर है इसका 95। तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन है 7, क्योंकि इंडेक्स 6 पे है तो उसका पोजीशन है 7। इसी प्रकार लार्जेस्ट नंबर है हमारा 95 और पोजीशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज 3। ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे। अब इसे करेंगे कैसे ये देखें। पहले तो आप एरे में इनपुट करा लेंगे, है ना। अब क्या किया जाए बोलो भाई। हम एक वेरिएबल लेंगे s स्मॉलेस्ट के लिए और एक वेरिएबल लेंगे l लार्जेस्ट के लिए, और पोजीशन ऑफ स्मॉलेस्ट के लिए रखेंगे ps और पोजीशन ऑफ लार्जेस्ट के लिए रखेंगे pl। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। एरे में इनपुट करने के बाद पहला काम ये करेंगे, जो पहला नंबर है कौन सा, x0, ये x0 s में भी डाल दो, l में भी डाल दो। आप मान लो कि वो हमारा सबसे छोटा भी नंबर है और सबसे बड़ा नंबर भी है, क्लियर। तो इसमें आ गया, इसमें भी आ गया, और इसका पोजीशन क्या है, इंडेक्स 0 है बट हम रखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगला नंबर जो भी होगा उसको कंपेयर करेंगे स्मॉलेस्ट से। अगर वो नंबर एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, 9 तक। अगर एक्स आई एस से छोटा है, अगर एक्स आई एस से छोटा है तो हम एस में डाल देंगे एक्स आई यानी कि 2, और उसका जो इंडेक्स है उसमें 1 जोड़ देंगे, यहां पर स्टोर कर देंगे। फिर उसी को हम चेक करेंगे एल से, अगर वो एल से बड़ा है, अगर एल से बड़ा है तो एल में डाल देंगे एक्स आई और उसका इंडेक्स +1 डाल देंगे पी एल में। अब देखिए 2 क्या है, एस से छोटा था इसलिए हमने चेंज कर दिया, एल से बड़ा नहीं है इसलिए नहीं किया। फिर अगला देखो 95, क्या 2 से छोटा है, नहीं छोड़ दीजिए। क्या ये एल से बड़ा है, हाँ, तो यहां पे आ जाएगा 95 और यहां पे आ जाएगा इसका इंडेक्स +1, आई +1 दैट इज 3। यहां जब आई की वैल्यू 4 हुई, सॉरी 3 हुई, तो 4 क्या 2 से छोटा है, नहीं। 4 क्या 95 से बड़ा है, नहीं। कुछ मत करो, आई की वैल्यू 4 हुई 15, 2 से छोटा है, नहीं। 95 से बड़ा है, नहीं। कुछ मत करो, 6 नहीं, दोनों केस में नहीं। 1 क्या 2 से छोटा है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा उसका इंडेक्स +1, इंडेक्स क्या है 6 +1 7। क्या 1 95 से बड़ा है, नहीं। कुछ मत करो, 43 दोनों में नहीं हो जाएगा, 11 दोनों में नहीं हो जाएगा, 92 दोनों में नहीं हो जाएगा। मतलब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, 1 है, उसका पोजीशन है 7, लार्जेस्ट नंबर 95 है, उसका पोजीशन है 3। ये लॉजिक हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को किया जाए, समझ में आ गया हम लोग कैसे करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करें, हमें एक एरे चाहिए, तो एरे डिक्लेयर कर लो, int x, सपोज 10 एलिमेंट का एरे है, कॉमा। लूप चलाने के लिए वेरिएबल चाहिए, है ना,
तो हमने वेल में ले लिया आई। स्मॉलेस्ट नंबर और उसका पोजीशन स्टोर करने के लिए एक एक वेरिएबल चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ले लिया एस और उसका पोजीशन के लिए ले लिया पी, ठीक है ना। इसी तरह से लार्जेस्ट और उसका पोजीशन भी चाहिए, तो लार्जेस्ट के लिए हमने लिया एल, उसके पोजीशन के लिए लिया पी एल। वेरिएबल सारे हो गए। अब चलिए पहला तो काम ये करें कि हम एरे में इनपुट कराएं, क्या करें एरे में इनपुट करें। तो स्क्रीन क्लियर किया, पहले मैसेज दिया प्रिंट एफ, एंटर 10 नंबर्स इन द एरे में 10 नंबर इनपुट कराओ। फिर लूप चलाया इनपुट कराने के लिए फॉर, कल हमने देखा था ना एरे में इनपुट कराने के लिए क्या कर रहे थे, लूप चला रहे थे। I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन 10, I प्लस प्लस, इसके अंदर हमने एक मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर और इनपुट लेने के लिए वेरी गुड स्कैनर परसन डी एम परसन एक्स ऑफ आई, एरे के आई एथ एलिमेंट में इनपुट कराना है। आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेकर 9 तक जाएगी। अब एक अच्छी हैबिट एफ फ्लश एस टी डी एन, इनपुट वाला काम हमारा संपन्न हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ढूंढना है। तो क्या करें भाई, लूप चला दें फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, जब आई की वैल्यू 0 है, और हमें कुछ और इनिशियलाइजेशन करना है। हमें आई का लूप 0 से शुरू करना है, कहाँ से करना है 1 से, है ना, और हमें कुछ और इनिशियल करना था। एस में डालना है पहला नंबर, एल में भी पहला नंबर और पोजीशन में 1 1 डालना है, तो सब एल में इनिशियलाइज कर दो। एस में हो गया एक्स 0, एस में क्या स्टोर कर दिया 0, यही चीज एल में भी करना है एक्स 0, और क्या करना था पी एस में 1 और पी एल में 1। ये हुआ पहला इनिशियलाइजेशन वाला, इतने सारे करने हैं, वो सब हमने कॉमा लगा के कर दिया। कंडीशन क्या चेक करना है, जब तक आई 10 से छोटा है, तो इसके आगे नीचे जगह आगे जगह में नीचे लिख रहा हूँ आई इज लेस देन 10, ठीक है ना। और हर बार आई को बढ़ाना। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स आई को कंपेयर कर रहे थे एस से, तो चेक करिए इफ एक्स ऑफ आई इज लेस देन एस, अगर एक्स आई एस से छोटा है तो क्या करो, एस में डाल दो एक्स आई और पी एस में क्या डाल दो आई प्लस 1, यही तो कर रहे थे। अगर हमारा नंबर एरे का जो एलिमेंट है एस से छोटा है तो एस में डाल दे रहे थे उसको, एस में एक्स आई डाल दिया और उसका इंडेक्स नंबर आई प्लस 1 किस में डाल दिया पी एस में। यही चीज हम लोग एल के साथ भी करेंगे इफ, बट यहां पे कंडीशन होता है एक्स आई इज ग्रेटर देन एल, अगर एक्स आई एल से बड़ा है तो क्या करना है एल बराबर एक्स आई और क्या करना है पी एल बराबर आई प्लस 1। अब जब लूप से बाहर आएगा तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर भी होगा, लार्जेस्ट भी नंबर होगा और उनके पोजीशन भी। तो हम यहां पे प्रिंट करा दें प्रिंट एफ स्मॉलेस्ट नंबर परसेंट डी पोजिशन
परसेंटेज और उसके बाद एस और पी एस। इसी प्रकार यहाँ पे न्यू लाइन भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर परसेंटेज पोजीशन परसेंटेज और यहाँ पे रहेगा एल कॉमा पी एल। इसके बाद नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गेट सी एच बंद होगा और ये प्रोग्राम मेन खत्म होगा। ठीक है ना, ये हमारा लॉजिक होगा, जल्दी से हो जाए। चलिए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट एरे के ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं। इनमें से एक मैनिपुलेशन जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में आता है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है एरे के एलिमेंट्स को एक क्रम में व्यवस्थित करना, एरे के एलिमेंट्स को एक क्रम में व्यवस्थित करना, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो एरे के एलिमेंट्स को अगर एक क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसके हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके होंगे, बट हम आज आपको सबसे आसान तरीका वो आपको बताएंगे जिसे हम लोग कहते हैं बबल सॉर्ट। क्या कहते हैं? बबल सॉर्ट। बहुत आसान है, आपको समझ में भी आएगा कि कैसे काम कर रहा है। तो सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ arranging the elements of our array in ascending or descending order। हम अपने एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में या डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में जो अरेंज करते हैं उसी को कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एरे हो और उसमें नंबर आपने पहले डाल दिए हैं, अब इसे अगर हम अरेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? हमने जैसा कि बताया बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से जो सबसे आसान तरीका है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉर्ट आवर एरे। हमारे पास सॉर्टिंग के कई तरीके हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट, जैसे कि मर्ज सॉर्ट, जैसे कि क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनसे आप अपने एरे को किसी पर्टिकुलर क्रम में अरेंज कर सकते हो, राइट? तो हम फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक्स बता के कन्फ्यूज नहीं करेंगे, हम बहुत आसान तरीका जो आपकी समझ में बड़े आसानी से आ जाएगा उस तरीके को हम लोग आज पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं बबल सॉर्ट। ठीक है, आज हम लोग कौन सा टेक्निक पढ़ेंगे? बबल सॉर्ट। ठीक है, ठीक, चलो हम लोग चलिए आज बबल सॉर्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले हम उसके टेक्निक को समझेंगे फिर उसके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलो
चलिए टेक्निक समझा जाए बबल सॉर्ट का। एक एग्जांपल लेने के बाद समझ में आएगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस। मान लो ये मेरा एरे एक्स है जिसमें 10 एलिमेंट है। मान लो इसमें पहले से आपने कुछ डेटा डाल रखा है, ठीक है, इसमें हमने पहले से कुछ डेटा स्टोर करके रखा है। बबल सॉर्ट टेक्निक में करते क्या है पहले समझ लीजिए। इस टेक्निक में हम हर एक एलिमेंट को उसके पड़ोसी एलिमेंट से, उसके बाहर वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। हर एक एलिमेंट को उसके बाद वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अगर बाद वाला मान लो बढ़ते क्रम में कर रहे हैं, तो अगर बाद वाला इससे छोटा है तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे, अदला बदली कर देंगे, क्लियर। तो और ये प्रोसेस आगे तक लास्ट तक करेंगे और इसी चीज को कई बार रिपीट करेंगे। कितने बार रिपीट करेंगे, कितने एलिमेंट से देखो जरा, 10, तो 9 बार रिपीट करेंगे। कितने बार, 9 बार। अब जरा से देखो हमारा लॉजिक क्या कह रहा है। हम लोग राउंड वन में जब करते हैं, पास वन जिसे कहते हैं, एक्स जीरो का पड़ोसी एलिमेंट क्या है, एक्स वन है ना। एक्स जीरो को एक्स वन से कंपेयर करो, कौन सा छोटा है, एक्स वन छोटा है, बाद वाला छोटा है, तो क्या करें, स्वैप कर दें। तो जब स्वैप करेंगे तो 4 यहां आ जाएगा एक्स जीरो में और एक्स वन में क्या आ जाएगा, हो गया। अब एक्स वन को एक्स टू से कंपेयर करिए, एक्स वन में क्या है, नहीं बदल गया है, 41 है, और एक्स टू में क्या है, क्या एक्स टू बदला, छोटा है, हाँ बाद वाला छोटा है, तो क्या करें, फिर से स्वैप करेंगे। अब अगर स्वैप करेंगे तो यहां जाएगा 15 और यहां जाएगा 41। फिर इसको और इससे करेंगे, एक्स टू को एक्स थ्री से, हर एलिमेंट को उसके पड़ोसी वाले से, ठीक है ना। 39 छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो अगेन अदला बदली होगी, 39 इधर आ जाएगा, 41 इधर आ जाएगा। अब इसको इससे करो, छोटा है, फिर से अदला बदली होगी, 41 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है ना। फिर करो 41 को 56 से, अब नहीं आवश्यकता होगी, है ना, तो यहां पर 56 यही रहेगा। 56 और 8 को करिए, होगा तो 56 यहां आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा, ठीक है। 56 और 1 होगा, 56 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। 56 और 63 नहीं होगा, 63 और 7 होगा, 7 यहां जाएगा, 63 यहां हुआ। राउंड वन में देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है वो अपनी सही जगह पहुंच गया आखिर में, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, देखो 63 सबसे बड़ा था और वो कहां पहुंच गया, अपने सही जगह पे विराजमान हो गया। अब हम फिर से यही प्रोसेस राउंड टू में शुरू करेंगे। और डिसेंडिंग में होगा तो उल्टा करने के, अगर दूसरा वाला छोटा होगा बड़ा होगा तब अदला बदली करेंगे, है ना, कंडीशन उल्टा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं राउंड टू में। फिर से यहीं से शुरू करो, 4 और 15 अदला बदली की जरूरत है, नहीं
फोर यही रहेगा। 15 और 39 अदला बदली की जरूरत है नहीं, 15 यही रहेगा। 39 और 2 अदला बदली की जरूरत है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 39 आ गया। 39 41 नहीं, 39 यही रहेगा। 41 और 8 हाँ तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 41 यहाँ आ जाएगा। 41 और 1 होगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, 41 यहाँ आ जाएगा, है ना। 41 और 56 नहीं जरूरत है तो 41 यही रहेगा। 56 और 7 हाँ तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 56 यहाँ आ जाएगा। अब 56 63 को करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सबसे बड़ा है, तो 56 यहाँ हो गया, 63 जहाँ पे था वहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो जो दूसरा सबसे बड़ा था वो अपनी सही जगह पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं। इसी तरह से राउंड 3 में आ जाओ। राउंड 3 में आ जाओ, शुरू करो यहीं से। 4 15 आवश्यकता नहीं है, 15 2 हाँ आवश्यकता है, 15 39 नहीं आवश्यकता है, 39 और 8 है, 8 यहाँ जाएगा, 39 यहाँ जाएगा, 39 और 1 है, 39 41 नहीं आवश्यकता है, 41 7 39 7 और 41 41 यहाँ जाएगा, 41 फिर आगे कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। 63 सही चल रहा है। फिर देखिए राउंड 4 4 और 2 आवश्यकता है, 4 और 15 नहीं, 15 और 8 है, 1 और 15 है, 15 और 39 नहीं, 15 यही रहेगा, 39 यही रहेगा, 39 और 7 हाँ। अब आगे तो सब बड़े हैं तो आवश्यकता नहीं है चेक करने की, बोलो भाई सही चल रहा है। अब राउंड नंबर 5 पे आ जाओ। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक 9 बार या फिर जब किसी राउंड में एक को बार चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े, इसका मतलब क्या वो शॉर्ट हो चुका है, है ना। अब देखो जरा राउंड 5 में 2 और 4 नहीं, 2 यही रहेगा, 4 और 8 यही रहेगा, 8 और 1 हाँ, 8 और 15 नहीं, 15 7 यस, बाकी आगे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, बोलो भाई yes, sir. अब फिर से राउंड नंबर 6 अभी इसमें एक बार चेंज हुआ है ना, इसलिए करने की आवश्यकता है। राउंड 6 बोलो 2 4 नहीं, 1 4 यस, 4 8 नहीं, 8 7 Yes. बाकी ऑलरेडी अरेंज्ड है। फिर से राउंड नंबर 7 करो, 1 2 हाँ, 2 4 नहीं, 4 7 नहीं, 7 8 नहीं, आगे हमेशा नहीं ही रहेगा, है ना। अभी इस बार एक बार चेंज हुआ है, एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या पता एक और हो जाए, नहीं हमें तो लग रहा है, बट एक बार अगर एक बार इस बार भी एक को बार नहीं हुआ तो हमारा काम संपन्न है। राउंड नंबर 8 राउंड 8 में देखिए 1 2 नहीं, 2 4 नहीं,
47 नहीं, 78 नहीं, 815 नहीं, आगे भी नहीं होगा। इसमें एक बार भी चेंज नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, मतलब यही पे सॉर्ट हो चुका था, इसके पहले भी। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा एरे सॉर्ट हो गया है, देख लो सही अरेंज हो गया। अब इसको बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं जरा देखो, देखिएगा जो सबसे हल्का नंबर था, सबसे छोटा नंबर था, बुलबुले की तरफ नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको नीचे मान लो, इसको ऊपर मान लो, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देखो सेवन को, देखो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से अपनी सही जगह पहुंच गया, हो रहा है। टू को देखो, सही जगह पहुंच गया। फोर को देखो, जब तक इससे हल्का नहीं मिला तब तक वहीं पे था, फिर पीछे जाना शुरू किया, दिख रहा है। इसी तरह से आप एट देखो, एट कहां था, यहां था, दिख रहा है। तो जो हल्का नंबर है बुलबुले की तरह, पानी में बुलबुले की तरह जैसे ऊपर जाता है, वैसे ऊपर जा रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको नाम दिया गया बबल सॉर्ट। समझ में आया काम कैसे कर रहा है, ये समझ में आ गया। अब इसका लॉजिक कैसे करेंगे देखो, इनपुट तो करा लेंगे और हम क्या कर रहे हैं, कितने बार रिपीट कर रहे हैं, 9 times, 10 एलिमेंट है तो 9 बार, 9 है तो 8 बार, 20 है तो 19 बार, जितने एलिमेंट होंगे उसके उतने बार रिपीट करेंगे। और हर एक रिपीटेशन में एक और चीज रिपीट कर रहे हैं, x0 को x1 से, x1 को x2 से कंपेयर कर रहे हैं, और अगर आगे वाला छोटा है तो आपस में स्वैप कर रहे हैं। तो यही चीज हम क्या करें, कोड की लॉजिक में लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा। बबल सॉर्ट का प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इनपुट मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना, वॉइड मेन। अब यहां पर हमें पहले एरे चाहिए, तो एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, x 10। लूप चलाने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए i, दो बार लूप चलाना है, नेस्टेड लूप, तो i और जे ले लिया, ठीक है। तो और स्वैपिंग करने के लिए हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं टी, क्योंकि हमें बार बार स्वैपिंग भी करना है, तो स्वैपिंग करने के लिए टेम्परेरी वेरिएबल क्या ले लिया, टी। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला तो काम ये करें कि एरे को इनपुट करा लें, तो CLR SCR, ठीक है। और यहां पर हमने मैसेज दिया printf enter 10 numbers in array, array में 10 number input करा, loop चला दिया, for i is equals to 0, i is less than 10, i plus plus, इसके अंदर हमने message दिया printf enter a number, और इनपुट देने के लिए scanf percent x of i, अच्छी आदत
इनपुट वाला काम तो हो गया। अब चलिए एक काम और करते हैं, सॉर्टिंग के पहले एरे में क्या है वो डिस्प्ले करा देते हैं, जिससे कि हमें पता लगे सॉर्टिंग के पहले कैसा था और सॉर्टिंग के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे हमने मैसेज डाल दिया, पहले CLR SCR किया, स्क्रीन को दोबारा साफ कर दिया, है ना, स्क्रीन को क्या किया, दोबारा साफ कर दिया। फिर हमने लिखा printf before sorting array is, sorting से पहले array क्या है वो print करा देते हैं, है ना, for i, यहाँ पे new line भी कर देते हैं, i equals to 0, i is less than 10, i plus plus, और यहाँ पे हम print करा देते हैं xi को, printf x percent d और एक टैब दे देते हैं थोड़ा स्पेस के लिए, x i हमारा प्रिंट हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या हुआ, हमने पहले एरे को इनपुट कराया और उसके बाद हमने क्या किया, सॉर्टिंग से पहले एरे को प्रिंट कर दिया। अब चलें सॉर्टिंग वाला काम किया जाए। सॉर्टिंग करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, कितने बार चलेगा, एक कम, 10 से एक कम, तो लेस देन 9 कर देंगे, है ना, यहां पे 10 था तो 10 से एक कम कर देते हैं, 9 तक जाएंगे, और हर बार आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अब इसके अंदर जो दूसरा लूप चलेगा जे का, वो कहां से शुरू कर रहे हैं, 0 से, कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा, जे इज लेस देन, यहां पे भी 9 लग रहा है क्योंकि 9 को अगले नंबर से कंपेयर करेंगे, है ना, उसके आगे कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं, 10th को 11वें से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए 9 को 10 से करेंगे, 9 तक ले गए। और यहां क्या किया, जे प्लस प्लस, और यहां पे चेक कर रहे हैं इफ एक्स जे इज लेस देन ग्रेटर देन एक्स जे प्लस 1, अगर एक्स जे प्लस 1 से पहला वाला बड़ा है आगे वाला छोटा है तो क्या करें, स्वैप करें। स्वैप करने का लॉजिक क्या है, टी इज इक्वल्स टू एक्स जे, ये नंबर किसमें डाल दिया, टेम्पररी में, अब ये खाली हो गया तो एक्स जे में क्या डाल दिया, एक्स जे प्लस 1, है ना, हुआ, ये खाली हुआ तो इसमें हमने डाल दिया आगे वाला नंबर, और आगे वाले में टी डाल दो, एक्स जे प्लस 1 में क्या डाल दिया, टी डाल दिया, स्वैपिंग हो गई, ये हो गया हमारा जे का लूप खत्म, ये हो गया हमारा आई का लूप, हमारा सॉर्टिंग हो गया। अब क्या करें, एरे को सॉर्टिंग के बाद प्रिंट कर दें, तो हमने लिखा प्रिंट एफ आफ्टर सॉर्टिंग एरे इज, यहां पे हमने लूप चला दिया फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहां पे हम प्रिंट करा दें प्रिंट एफ परसेंट डी और टैब लगा दिया स्पेस के लिए बैक स्लैश टी, और यहां पे एक्स आई को प्रिंट करा दिया, काम खत्म, गेट सी एच और प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉर्टिंग समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आया है वीडियो को आपको लास्ट तक देखा है इसलिए धन्यवाद, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए, अगर डाउट है तो कमेंट लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, जय हिंद जय भारत।